हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सुंदर सा लैंडस्केप बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका पेज है। आपने पेज के मिडल से थोड़ा सा हट के लेफ्ट हैंड साइड के मिड में एक हट बनानी है। जो आप हट बनाओगे वो मोस्टली बच्चे या जो भी लैंडस्केप करते हैं वो क्या करते हैं कि मिडल से हट बनाना स्टार्ट करते हैं। बट हम एक कॉर्नर पे, एक साइड के मिड पोर्शन पे हट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पर्सपेक्टिव में हट बनाई है। उसके बाद हॉरिजॉन्टली हम एक हॉराइजन क्रिएट करते हैं, इसे क्षितिज रेखा भी बोलते हैं। और ये पेपर के मिड में लगती है लाइन, तो ये एक तरह से हमारा बेस भी है लैंडस्केप का। उसके बाद हमने ट्रीज बनाए, ऊपर हमने स्काई के लिए स्पेस छोड़ना है। कभी भी आप हिल्स ऊपर नहीं बनाओगे, हमेशा ऊपर स्पेस छोड़ते हैं स्काई के लिए, उसके बाद हिल्स बनाते हैं थोड़े से नीचे डिस्टेंस पे। और ये हमने एक और भी बनाया। ट्रीज बनने के बाद हट जहाँ पे हट हमने बनाई है उसके नीचे हम ग्राउंड बनाएंगे। और घर के पास जो लेक है उसमें हमने एक बोट बना ली। ये पानी का पोर्शन है, तो पानी का पोर्शन तो हम कलर से शो करेंगे। घर के आसपास हम बाड़ बना देंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम डिस्टेंस पे ट्रीज बनाएंगे कम हाइट के, क्योंकि पर्सपेक्टिव में जो भी चीज़ दूर होती है जैसे कि पहाड़, दूर के पेड़, पक्षी, ये सब हमें थोड़ा छोटे नज़र आएंगे। तो उसके बाद हमने आउटलाइन करनी है ब्लैक मार्कर से। आउटलाइन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये हमारी आउटलाइन हो गई। अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑयल पेस्टल जब भी आपने करनी है तो हमेशा कलरिंग ऊपर से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हम स्काई में सबसे पहले कलर करेंगे। लाइट ब्लू कलर लिया और ऊपर से स्टार्ट किया करना, और उसको धीरे धीरे हल्के हाथ से हम नीचे स्प्रेड करते गए। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने प्रेशर देकर कलर नहीं करना है, हल्के हाथ से कलर करना है आराम से। और यहाँ पे हमने डीप ब्लू कलर लिया, उसको लाइट ब्लू कलर के साथ मिक्स करने की कोशिश कीजिए। ऊपर ऊपर में आपने थोड़ा डार्क करना है डीप ब्लू, फिर धीरे धीरे लाइट ब्लू के साथ मिक्स कर देना है। उसके बाद हम हील्स करेंगे। वायलेट कलर लिया हमने डीप, एक साइड लाइट पड़ रही है हील्स में तो हम एक साइड शेड कर देंगे इसमें 3D इफेक्ट देने के लिए, और दूसरी साइड हम हल्की हल्की शेडिंग कर सकते हैं, एक साइड डार्क एक साइड लाइट।
सिंगल लाइन में कलर कर दिया, एक साइड लाइट एक साइड डार्क अगेन। तो इस तरह से हमने आगे की हील्स में थोड़ी सी डिटेल दी, पीछे की हील्स में ज़्यादा कलर ना करते हुए हल्की हल्की डिटेल्स दी हैं। जो चीज़ें आगे होंगी वो ज़्यादा डिटेल में, और जो बैक साइड में है उनमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं। ट्रीज़ में कलर करने स्टार्ट करेंगे। हमारी जो पुरानी वीडियो थी हमने उसमें भी बताया था कि ट्री में कलर कैसे करना है, तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने डीप येलो कलर लिया है, आउटर जो लीव्स हैं उसको हमने येलो कर दिया फेस की। इसके बाद हमने लाइट ग्रीन कलर लिया और येलो के साथ मर्ज करते हुए किसी किसी जगह पे हमने लाइट ग्रीन कलर कर दिया। उसके बाद डीप ग्रीन कलर लेके ब्रांचेस के आसपास या जहाँ भी डेप्थ है, गहरा है जहाँ पे, वहाँ हमने डीप ग्रीन कलर यूज करना है। आपने कई बार देखा होगा कलर्ड ट्रीज भी होते हैं जिनमें पत्ते कलर्ड होते हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं कलरफुल, तो वैसे से ट्रीज भी आप दिखा सकते हो लैंडस्केप में। उसके लिए हम ऑरेंज और रेड कलर का यूज करते हैं येलो के साथ। ज़रूरी नहीं है आपने ये रेड कलर रेड ऑरेंज येलो का कॉम्बिनेशन ही करना है, आप रेड पिंक का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। पिंक कलर के फ्लावर्स वाले ट्रीज भी होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं लैंडस्केप में बनाते टाइम। तो ब्रांचेज में हमने ब्राउन कलर कर दिया और वन एक एक साइड डार्क टोन देने के लिए हमने ब्लैक का यूज़ कर लिया थोड़ा। अब आपने ब्लैक को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो डिस्टेंस पे हमें ट्रीज नज़र आ रहे हैं दूर, तो उनमें हम थोड़ा कूल कलर्स करेंगे, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर। तो पहले हमने डीप ग्रीन कलर लिया है, सब में हमने डीप ग्रीन कलर कर दिया। उसके बाद हम डीप ब्लू कलर से जहाँ जहाँ ट्रीज की डेप्थ है अंदर की साइड वहाँ कलर करेंगे। अब हट की रूफ पे कलर करेंगे, हट की छत पे हमने डीप येलो कलर लिया उसको लाइट लाइट, फिर नीचे की तरफ जाते हुए थोड़ा डार्क करते हुए। फिर रेड कलर से हल्का हल्का येलो के ऊपर कलर कर दिया थोड़ा, फिर ब्राउन कलर लेके जहाँ आपने व्हाइट पोर्शन छोड़ा था छत का, वहाँ आपने ब्राउन कलर से उसको डेप्थ दे दी। अगेन ब्राउन कलर, ब्लैक, इस साइड हमने ब्लैक से डेप्थ दिए क्योंकि अंदर का पोर्शन होता है ये। और थोड़ा थोड़ा आप ट्रीज में भी ब्लैक कलर किसी किसी जगह पे डेप्थ दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइट ब्लू कलर हट के अंदर करेंगे हम, हल्के हल्के हाथ से करना है, बहुत डार्क नहीं करना।
उसके बाद हम पर्शियन ब्लू कलर लेंगे डेप्थ शो करने के लिए। कॉर्नर्स पे हम पर्शियन ब्लू कलर से थोड़ी सी डेप्थ दिखाएंगे हाथ में। उसके बाद नीचे का ग्राउंड करेंगे, पर उससे पहले हम ट्री कर लेते हैं। वही डीप येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन जैसे हमने पहले ट्री किया था वही सेम कलर्स यूज़ कर रहे हैं। हट का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, अंदर की डेप्थ शो करने के लिए ब्लैक मार्कर से हमने इसको फिल कर दिया और उसके बाद पिंक कलर से डोर पे कलर कर दिया। उसके बाद आपने डीप येलो कलर लिया, हट के पास जो एरिया है या जहाँ जिस भी पोर्शन पे आपने हाईलाइट करना है, लाइट डालनी है, वहाँ पे आप डीप येलो कलर करोगे। थोड़े से रस्ते पे भी कर दोगे, ऑरेंज कलर से पाथवे पे थोड़ा सा कलर किया और फिर ब्राउन कलर से उसको डेप्थ दे दी। इसके बाद लाइट ग्रीन कलर से जहाँ जहाँ ग्रास आपने शो करनी है और जो पोर्शन आपने वाइट छोड़ा था वहाँ आप लाइट ग्रीन कलर कर लोगे। और फिर डीप ग्रीन कलर आप ग्रास में भी करोगे और जहाँ जहाँ डेप्थ है दो माउंट्स के बीच में जहाँ जहाँ डेप्थ आ रही है वहाँ आप डार्क ग्रीन कलर कर सकते हो और ग्रास में भी। उसके बाद हम हाथ के नीचे जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है उसको भी कवर अप कर सकते हैं ताकि वो जो है हट ग्राउंड के साथ अटैच लगे। हम हट की हल्की हल्की शेडो जो है वो डीप ग्रीन कलर से भी नीचे ग्राउंड में दे देंगे। थोड़ा सा ब्लैक यूज़ कर सकते हैं ऊपर से। उसके बाद हम लाइट ब्लू से पानी को शो करेंगे हल्का हल्का। ज़्यादा कर्वी लाइंस नहीं है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस ही यूज़ कर रहे हैं पानी बनाने के लिए। तो जो ग्राउंड के पास पानी है वहाँ उसकी थोड़ी शेडो दिखाने के लिए हम लाइट ब्लू कलर को और यूज़ कर रहे हैं और नाव के पास भी थोड़ी कलर को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद हील्स की शेडो पानी में दिखाने के लिए सेम जो आपने हील्स में कलर यूज़ किया था उसको हम पानी में उसकी शेडो लाइंस के थ्रू दिखाएंगे। रिफ्लेक्शन सॉरी ट्रीज की रिफ्लेक्शन पानी में दिखाएंगे सेम कलर से डीप ग्रीन। और पर्शियन ब्लू कलर से पानी का जो रंग है आपने पानी और पेड़ों के बीच में डिफरेंस शो करने के लिए एक वाइट लाइन हमने छोड़ दी है और ब्लैक कलर से हम और डेप्थ शो करना चाहते हैं ट्रीज़ के जो बीच में डेप्थ हैं दो ट्रीज़ के बीच में वो हमने
थोड़ा सा ब्लैक कलर से शो कर दिया। ब्लैक कलर आपने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, जस्ट मिनिमम टच देना आपने। और ये जो बाड़ होती है घर के किनारे पे लकड़ियों की, इसको भी आप ब्लैक कलर से कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्राउंड और पानी जहाँ अटैच हो रहा है वहाँ डेप्थ दिखाने के लिए हमने ब्लैक कलर यूज़ किया। फिर से लाइट ब्लू कलर एक अगेन पर्शियन ब्लू कलर ग्राउंड की रिफ्लेक्शन पानी में शो करने के लिए, और बोट की हमने थोड़ा सा डार्क कलर लिया और थोड़ा पानी का डेप्थ शो करने के लिए। मैं आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, हम डीप ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, पर्शियन ब्लू, लाइट ब्लू, हिल्स की शेडो के लिए भी हमने अलग कलर यूज़ किया। इस तरह से आप भी अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। बोट में हम ब्राउन कलर कर रहे हैं और उसकी डेप्थ शो करने के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे किसी किसी पोर्शन में। फिर हमने ऑकर कलर लेना है, जो उसका ऊपर वुडन पैनल्स हैं लाइट कलर के, उनको शो करने के लिए ब्लैक मार्कर से शॉट में आप अंदर की उसकी डेप्थ शो कर सकते हो, क्योंकि ऑयल पिस्टल मोटा होता है, कई बार डिटेल्स देनी मुश्किल हो जाती है, तो आप बीच में मार्कर का भी यूज़ कर सकते हो छोटी डिटेल्स के लिए। तो इस तरह से हमारा पानी कंप्लीट हो गया और हमारा पूरा लैंडस्केप भी कंप्लीट हो गया। आप हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।